आपने तो कुत्ते को भोंकते हुए जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा कुत्ते का ब्रीड है जो एकदम भोंकता ही नहीं है। और क्या आप जानते हैं इस पूरे दुनिया में कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जो कि अपने पूरे जीवन काल में सोते ही नहीं है। इस वीडियो में आप ऐसे रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए आज का वीडियो बिन टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं एक छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता। फैक्ट नंबर 9, प्याज काटते वक्त आंखों से आंसू आना आम बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर प्याज काटते वक्त च्युइंगम चबाई जाए तो आंखों में आंसू नहीं निकलते। ऐसा कारण इसका इसलिए है कि उस गंध के डिफ्यूज हो जाने की वजह से होता है जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। च्युइंगम खाते वक्त हम अपने मुंह से सांस लेते हैं और केमिकल्स हमारी नाक में नहीं जा पाते, इसलिए टीयर ग्लैंड्स प्रभावित नहीं होते। यही कारण है कि प्याज काटते समय च्युइंगम चबाने से आंखों में आंसू नहीं आते हैं। फैक्ट नंबर 8, सपने में आने वाले हर एक फेस को हमने एक बार जरूर कहीं ना कहीं देखा होता है, क्योंकि हमारा दिमाग उतना सक्षम नहीं है कि वो किसी का भी फेस बना सके। फैक्ट नंबर 7, आप सब ने कभी ना कभी टीवी पर या सामने से ऑक्टोपस जरूर देखा होगा। उसके 8 हाथों को होना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ऑक्टोपस के बारे में कई और भी रोचक बातें हैं। ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। उसके खून का रंग लाल होने के बजाय नीला होता है, और यदि उसका कोई हाथ कट जाए तो फिर से वो अपने आप उससे ग्रो करने लगता है। और कई प्रजाति के ऑक्टोपस पाए जाते जो कैनिबल होते हैं, यानी वे अपने ही साथियों को मार कर खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, कुत्ते का ख्याल आते ही उनके जोर जोर से भौंकने की बात भी जहन में आ ही जाती है, लेकिन क्या कोई ऐसा कुत्ता भी हो सकता है क्या जो भौंकता ही ना हो? जी हाँ, बेसेंजी कुत्ते कि एक ऐसी ब्रीड होती है जो बिल्कुल भी नहीं भौंकती, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो कोई आवाज़ ही नहीं निकालते। निकालते हैं, लेकिन वो आवाज़ एक सुरीले गान की तरफ से निकालते हैं। फैक्ट नंबर 5, कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो सिर कटने के कई दिनों बाद तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन ही रहता है और वे सांस लेने के लिए अपने सर या मुंह पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि अपने बॉडी में मौजूद पोर्स से सांस ले सकते हैं। वे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि मुंह के बगैर वे पानी नहीं पी सकते, और अतः प्यास से वे मर जाते हैं। के लिए तो एक लाइक बनता है। फैक्ट नंबर 4, सभी प्राणी अपने जीवन काल में कभी ना कभी तो जरूर सोते ही हैं, लेकिन चींटी एक ऐसा प्राणी है जो अपने पूरे जीवन काल में वो एक भी भार नहीं सोता है। फैक्ट नंबर 3, यूं तो रोना का मतलब आंसुओं का बहना होता है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई रोए और उसके आंसू ना निकले? जी हाँ, एक न्यूबॉर्न बेबी जब रोता है तो उसके आंसू नहीं निकलते, ऐसे उसके पैदा होने के 2-3 हफ्तों तक चलते रहता है, क्योंकि उस समय तक उसकी लैक्रिमल ग्लैंड यानी आंसुओं की ग्रंथि होती है वो विकसित नहीं हुई होती है, इसलिए जब न्यूबॉर्न बेबी रोते हैं तो उनके आंखों से आंसू नहीं निकलते। फैक्ट नंबर 2, युद्ध तो कुछ बड़े कारणों से ही लड़ी जाती है, लेकिन आप ये सुन के हंसेंगे कि ग्रीक और बुल्गारिया में एक युद्ध सिर्फ इसलिए लड़ा गया था क्योंकि एक कुत्ता उनके बॉर्डर पार कर दिया था।
फैक्ट नंबर वन, आज हर कोई फोन उठाकर हेलो बोलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1876 में जब फोन इन्वेंट हुआ था तब लोग फोन उठाकर हेलो नहीं अहो बोलते थे। दरअसल फोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राम बेल का मानना था कि फोन उठाकर अहो बोला जाए, लेकिन बेल के प्रतिद्वंदी महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिशन चाहते थे कि लोग फोन उठाकर हेलो बोले, और 1880 आते आते हेलो को अहो के मुकाबले कई ज़्यादा पसंद किए जाने लगे और इवेंचुअली सभी लोग फ़ोन पर हेलो बोलने लगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।